डरकर भागेगा पाकिस्तान, नहीं टिक पाएंगे चीन के जवान, क्योंकि दुश्मन के सीने पर चढ़कर मारने के लिए भारत ने नई तैयारी कर ली है। भारतीय सेना को सीमा पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत नई तैयारियों में जुटा है। खबर है कि डीआरडीओ राजस्थान के पोखरण रेंज में 155x52 एटैक्स को BEML के आर्मर ट्रक पर लगाकर उसका परीक्षण कर रहा है। इस पूरे तोप को माउंटेड गन सिस्टम कहते हैं। सेना को ऐसे 800 से ज्यादा तोपों की जरूरत है। इस तोप की रेंज 45 किलोमीटर बताई जा रही है। यह हर मिनट 6 गोले दाग सकता है। यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। भारत के पास खास ताकत रखने वाली कई ऐसी तोप पहले से मौजूद हैं, जो सेना को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत देता है। इसमें एक है भारत का अपना धनुष 155mm x 45 कैलिबर होविट्ज़र, साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुआ। यह बोफोर्स का स्वदेशी वर्जन कहा जा सकता है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं, 114 का ऑर्डर है, डिलीवरी हो रही है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू लगते हैं। गोली की रेंज 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड। दूसरा है M46 शारांग। इस फील्ड गन के दो वेरिएंट्स हैं, 133mm और 155mm। भारत के पास ऐसे 1100 गन्स हैं। ये 3 रेट में फायर करता है, आमतौर पर 1 मिनट में 6 राउंड, बर्स्ट मोड पर 8 और सस्टेन मोड पर 5 राउंड। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। रेंज 27.5 से 38 किलोमीटर तक है। घातक K9 वज्र टी भी बड़ी कमाल का है। 155 किलोमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 100 तोप भारतीय सेना में तैनात है। 100 तोप और आ सकते हैं। गोले की रेंज 8 से 54 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर, अधिकतम स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह भारत की दमदार ताकत है। एटैक्स 155mm की इस गन का पहला परीक्षण 2016 में हुआ। 307 का टेंडर हुआ। 400 और तोप मंगाए जा सकते हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। इसे बढ़ाकर 52 किया जाना है। M777 होविट्ज़र, भारतीय सेना के पास 145 M777 है। 155mm की अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र को 8 लोग चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागे जा सकते हैं। गोले की रेंज अलग अलग कोण पर 24 से 40 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें कल्याणी गरुड़ा भी शामिल है। ये 105mm 27 कैलिबर की लाइट गन है। इसे किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। भारतीय सेना इसे भी शामिल करने का सोच रही है। कुल मिलाकर भारत ने अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कोशिशें और तेज कर दी हैं। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन एक से बढ़कर एक तोप को अपने बेड़े में शामिल करके सेना को एडवांस करने की तैयारी भारत की पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।